तो आज हम रिंग में इरिड्यूसिबल एलिमेंट एंड प्राइम एलिमेंट के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ 5 इन जेड ऑफ रूट ओवर माइनस 5। हमें इंटीग्रल डोमेन जेड ऑफ रूट ओवर माइनस 5 में 5 की इरिड्यूसिबिलिटी चेक करना है। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए प्लस रूट ओवर माइनस 5 बी बिलोंग्स इन जेड ऑफ रूट ओवर माइनस 5। तो हमने इंटीग्रल डोमेन जेड ऑफ रूट ओवर माइनस 5 में ए प्लस रूट ओवर माइनस 5 बी एक एलिमेंट ले लिया है, एंड ए भी मान लेते हैं कि ए प्लस रूट ओवर माइनस 5 बी डिवाइड 5। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 5 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू रूट ओवर माइनस 5 इंटू सी प्लस डी इंटू रूट ओवर माइनस 5, जहां पर ए बी सी डी चारों के चारों सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। ओके, डी सिंपल हम लिख सकते हैं नॉर्म फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल्स टू नॉर्म फंक्शन ऑफ ए प्लस बी रूट ओवर माइनस 5 इंटू नॉर्म फंक्शन ऑफ सी प्लस डी रूट ओवर ऑफ माइनस 5। तो यहाँ से हमें पता है नॉर्म फंक्शन ऑफ 5 इक्वल्स टू 25 होता है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दैट इज इक्वल्स टू नॉर्म फंक्शन ऑफ ए प्लस बी रूट ओवर माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर इंटू सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर। दिस इंप्लाई यहाँ से हमें तीन केसेस मिलेंगे। पहला केस है ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन एंड सी स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। दूसरा केस है ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड सी स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एंड तीसरा केस है ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड सी स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी चार इंटीजर्स के लिए ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हेयर जो तीसरा कंडीशन है उसके लिए 5 इक्वल्स टू 0 इंटू रूट ओवर माइनस 5 इंटू 0 माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 0 प्लस रूट ओवर माइनस 5 इज नाइदर ए यूनिट नॉर ए एसोसिएट विथ 5। मतलब कि 0 प्लस रूट ओवर माइनस 5 5 का कोई एसोसिएट भी नहीं है, और इंटीग्रल डोमेन जेड ऑफ रूट ओवर माइनस 5 में एक यूनिट भी नहीं है। देयरफोर 5 इज ए रिड्यूसिबल एलिमेंट इन जेड ऑफ रूट ओवर माइनस 5। मतलब कि 5 एक रिड्यूसिबल एलिमेंट है जेड ऑफ रूट ओवर माइनस 5 में। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड पी बिलोंग्स इन डी। तो हमारे पास डी एक इंटीग्रल डोमेन है एंड पी उसका एक एलिमेंट है। देन वी हैव टू शो दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ पी इज ए प्राइम आइडियल इन डी इफ एंड ओनली इफ पी इज ए प्राइम एलिमेंट इन डी। तो हमें दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ पी इज ए प्राइम आइडियल इन डी इफ एंड ओनली इफ पी एक प्राइम एलिमेंट है इन इंटीग्रल डोमेन डी। तो सॉल्यूशन, वी हैव हमारे पास क्या है, वी हैव डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन एंड पी बिलोंग्स इन डी। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ पी बी ए प्राइम आइडियल इन डी। तो हमने मान लिया कि इनर प्रोडक्ट ऑफ पी जो है वो इंटीग्रल डोमेन डी में एक प्राइम आइडियल है। तो यहां से हमें दिखाना है कि पी इज ए प्राइम एलिमेंट इन डी। ओके, तो पी जो है वो ए बी को डिवाइड करता है, ये भी हमने मान लिया, जहां पर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी विल कॉन्टेन इन इनर प्रोडक्ट ऑफ पी। ठीक है, तो नाउ ए बी जो एलिमेंट है वो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी में बिलोंग करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बी जो एलिमेंट है दैट विल ऑल्सो बिलोंग्स इन इनर प्रोडक्ट ऑफ पी, क्योंकि हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी कॉन्टेंट्स इन इनर प्रोडक्ट ऑफ पी। तो यहां से हम ए लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई ए बिलोंग्स इन इनर प्रोडक्ट ऑफ पी और बी बिलोंग्स इन इनर प्रोडक्ट ऑफ पी, क्योंकि हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ पी एक प्राइम आइडियल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए बी अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ पी में बिलोंग करता है तो वो इंप्लाई करेगा कि ए इनर प्रोडक्ट ऑफ पी में बिलोंग करता है या फिर बी इनर प्रोडक्ट ऑफ पी में बिलोंग करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू पी डी वन और बी इक्वल्स टू पी डी टू, जहां पर फॉर डी वन डी टू बिलोंग्स इन इनर इंटीग्रल डोमेन डी। दिस इंप्लाई ए क्या इंप्लाई करेगा, पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि पी इज ए प्राइम एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट इन डी, क्योंकि
हमने पहले मान लिया था कि पी ए बी को डिवाइड करता है, और वहां से हमने दिखा दिया कि पी या तो ए को डिवाइड करता है या फिर पी बी को डिवाइड करता है, तो यहां से हम पी को एक प्राइम एलिमेंट बोल सकते हैं। अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमने पी को एक प्राइम एलिमेंट मान लिया है इंटीग्रल डोमेन डी में, तो अभी मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स इन डी विथ ए बी बिलोंग्स इन इनर पार्ट ऑफ पी। तो अभी हमें इस इनर पार्ट ऑफ पी को एक प्राइम आइडियल दिखाना है। देयरफॉर यहां से हम लिख सकते हैं अगर ए में इनर प्रोडक्ट ऑफ पी में बिलोंग करता है देन ए बी इक्वल्स टू पी डी थ्री, जहां पर डी थ्री बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई पी डिवाइड ए बी, दिस ऑल्सो इंप्लाई पी डिवाइड ए और पी डिवाइड बी, क्योंकि पी जो है वो एक प्राइम एलिमेंट है। तो पी अगर ए बी को डिवाइड करता है तो वो इंप्लाई करता है पी या तो ए को डिवाइड करेगा या फिर पी बी को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाई ए इक्वल्स टू पी डी फोर और बी इक्वल्स टू पी डी फाइव, जहां पर फॉर डी फोर डी फाइव बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। पी ए को डिवाइड करता है तो ए को हम पी डी फोर लिख सकते हैं, पी बी को डिवाइड करता है तो हम बी को पी डी फाइव लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई ए बिलोंग्स इन इनर पार्ट ऑफ पी और बी बिलोंग्स इन इनर पार्ट ऑफ पी। तो ए सीधा सीधा इंप्लाई करता है कि पी जो है वो एक प्राइम आइडियल है इंटीग्रल डोमेन डी में। सो वी कैन राइट हेंस इनर पार्ट ऑफ पी इज ए प्राइम आइडियल इन इंटीग्रल डोमेन डी। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास डी एक इंटीग्रल डोमेन है जहां पर ए और बी दो एलिमेंट्स है, तो हमें दिखाना है कि इनर पार्ट ऑफ ए कॉन्टेंस इन इनर पार्ट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बी डिवाइड ए। सो सॉल्यूशन, तो हम पहले मान लेते हैं कि इनर पार्ट ऑफ ए कॉन्टेंस इन इनर पार्ट ऑफ बी, तो यहां से हमें ए दिखाना है कि बी जो है वो ए को डिवाइड करेगा। नाउ हम ए बोल सकते हैं कि ए जो एक एलिमेंट है वो इनर पार्ट ऑफ ए में बिलोंग करता है, तो दिस विल इंप्लाई ए जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स इन इनर पार्ट ऑफ बी, क्योंकि हमें पता है जो इनर पार्ट ऑफ ए है दैट कॉन्टेंस इन इनर पार्ट ऑफ बी। तो ए हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई ए इक्वल्स टू बी डी वन, अगर ए इनर पार्ट ऑफ बी में बिलोंग करता है तो हम ए इक्वल्स टू बी डी वन लिख सकते हैं, जहां पर डी वन बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। ए इंप्लाई करेगा कि बी जो है वो ए को डिवाइड करता है। अभी कॉन्वर्स पार्ट में कॉन्वर्सली हम मान लेते हैं कि बी जो है वो ए को डिवाइड करता है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी डी टू, ए इक्वल्स टू बी डी टू फॉर डी टू बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स इन इनर पार्ट ऑफ ए, देयरफॉर हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ए डी थ्री, जहां पर डी थ्री बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। ए इंप्लाई करेगा एक्स इक्वल्स टू बी डी टू डी थ्री, क्योंकि हमारे पास ए इक्वल्स टू बी डी थ्री था, तो अगर हम ए का वैल्यू पुट करें तो बी डी टू डी थ्री होगा। दिस इंप्लाई एक्स इक्वल्स टू बी डी फोर, ए हम लिख सकते हैं, जहां पर डी फोर इक्वल्स टू डी टू डी थ्री ऑल्सो बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। ए इंप्लाई करता है कि एक्स जो है वो इंटीग्रल डोमेन ऑफ बी में बिलोंग करता है। ओके सो हेंस यहां से हम देख सकते हैं कि इनर पार्ट ऑफ ए कॉन्टेंस इन इनर पार्ट ऑफ बी,